आप बोलिए माँ जी, क्या बात है? कहाँ चली सुबह सुबह मुंह उठा के? ड्यूटी पे जा रही हूँ माँ जी, आपको पता तो है। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन घर का काम क्या तेरी माँ करेगी आके? देखिए माँ जी, मेरे खानदान तक मत जाइए। और दूसरी बात, आपको कितनी बार कह दिया कि जब भी मैं ड्यूटी पे जाऊँ ना तो मुझे ऐसे पीछे से ना टोका मत करो आप। अगर मुझे उंगली दिखाई ना तो तोड़ दूंगी तुम्हारी उंगली, समझी? तो फिर आप भी ना मुझे टोकना बंद करो, समझ गए? टोकना बंद करो तो घर का काम कौन करेगा? घर का जितना काम हो सकता है ना मैंने कर दिया, और बाकी थोड़े बहुत बचे हैं ना वो आप भी कर सकते हो। घर का काम कर दोगे आपके हाथ नहीं घिस जाएंगे, समझ गए आप? अच्छा, अब मैं करूंगी तेरे आगे काम। घर का काम करो, मुझसे नहीं होता काम। अच्छा तो नौकरी वाली बहू किसको चाहिए थी? मुझसे नहीं होता काम, खाना मैंने बना दिया, उठ के आपने खाना निकाल के थाली में खाना ही तो है, और बस एक मटका पानी लेके आना है, और क्या काम रह गया? मुझसे कोई मटका वटका नहीं आता पानी का, मुझे काम का कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अच्छा माँ जी, काम बताने की कोई जरूरत नहीं है, और काम की बात की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत तो आपने की थी ना। ए ज्यादा पढ़ी लिखी, इस घर की बहू तो तू ही है, घर का काम तू ही करेगी, और क्या पड़ोसी आके करेंगे? मुझे बोल रही है मटका ले आना पानी का। माँ जी, इस घर की बहू तो आप भी हो, ये अलग बात है कि मैं नया मॉडल हूँ और आप पुराना। बस बस ज्यादा जुबान मत लड़ा, चर 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 करती रहती है। देखो माँ जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि जब भी मैं ड्यूटी पे जाऊँ ना तो प्लीज मेरे साथ ना इस तरीके की माथा पच्ची मत करो। अच्छा तो तू क्या कह रही थी, मैं पुराना मॉडल हूँ? अरे पुराना मॉडल सदा बाहर होता है, समझी? और तुम नया मॉडल चाइनीज हो, कोई गारंटी नहीं होती। क्या भाभी जी, नया पुराना मॉडल लगा रखा आपने। मैं देखो 1945 का मॉडल हूँ, 1945 का। अरे भाई साहब, आप नहीं जानते, ये जो मेरी सासू माँ है ना आपके सामने बैठी है, इनकी रोज की आदत होगी चिक चिक पिक पिक करने की। क्या भी, आपको भी समझ नहीं आती क्या? तू सुधरेगी नहीं मुझको लगता है बुढ़िया। बुढ़िया बोलता है, बुढ़िया बोलता है अपनी माँ समान को, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मेरी माँ 70 साल की है तो तुझे बुढ़िया ही बोलूंगा ना। अरे भाई साहब, आप भी सुबह सुबह किसके मुंह लग रहे हैं? ये तो अपने आप को 16 साल की कुंवारी कन्या समझती है, और घर का सारा काम करवा के रोज लड़ाई झगड़ा करके टेंशन देके मुझे बूढ़ा बनाने पे तुली हुई है ये। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? क्या तेरी माँ ने यही सिखा के भेजा है तुझे? देखो माँ जी, मैं फिर कह देती हूँ कि मेरे खानदान तक मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज्यादा जबान लड़ाई ना, चार मारूंगी कान के नीचे खींच के, समझी? माँ जी, इस घर में शादी करके आई हूँ ना आपकी मार खाने के लिए नहीं आई, समझ गए? चुपचाप ड्यूटी पे जाने दीजिए मुझे। समझे क्या बुढ़िया? फिर से बुढ़िया। बुढ़ी आगे तेरी माँ, और तेरा पूरा खानदान होगा बुढ़ा, सारा दिन बेवड़ा शराब पीता रहता है। सारा दिन पीता रहता हूँ, कमाता हूँ कमाता, जब पीता हूँ ऐसे ही ना पीता हूँ, तेरे से थोड़ा लेता हूँ, कभी दिए 5 रुपए, ये ले राजू, ले जा पौवा पी ले बुढ़िया। फिर से बुढ़िया। ये शर्म कहीं का। ओफो माँ जी, आप भी ना हद करती है, पहले तो घर में मुझसे लड़ रही है और अब आपने पड़ोसियों से भी लड़ाई करना शुरू कर दी। ज्यादा ना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, समझी? मैंने इसे न्योता नहीं दिया बेवड़े को कि यहाँ आ जा हमारे घर पे। अरे माँ जी, बात वो नहीं है, जब भी कोई पड़ोसी आए ना तो प्यार से बोलना चाहिए। बाहर पता है आपके कितने चर्चे हैं कि तेरी सास तो एक नंबर की खड़ूस है, और खड़ूस क्या, वो तो सच में है, मैं भी पागल हूँ ना आपको समझाने बैठी हूँ। ज्यादा ना चप्पर चप्पर करने की जरूरत नहीं है, कौन कह रहा था मुझे बता, अगर उसके झुंडे ना खींच लिए तो फिर कैसे बताऊंगी? अगर उसका नाम बता दिया आप उससे लड़ाई करने लग जाओगे। आप शांत होकर नहीं बैठ सकती, ये जो आपकी जबान है ना, कृपया करके इसे बंद रखिए आप। अच्छा मेरी जुबान तुम्हें 4 मीटर दिखाई देती है? मेरे हाथ देखे क्या तुमने?
पूरे 10 मीटर के मार दिया ना खींच के कान के नीचे, तो नानी याद आ जाएगी, समझी? सासू माँ, मारना तो दूर, आप मुझे है ना हाथ लगा के दिखाओ। आपको छठी का दूध याद ना दिला दिया ना तो मेरा नाम भी गुलाबो नहीं है, समझ गया आप? अच्छा, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने, बड़ी आई है, हाथ लगा के दिखाओ। माँ जी, आपको कानून के बारे में नहीं पता? 498A के बारे में पता है ना? कोई भी अपनी बहू के साथ जबरदस्ती मारपीट नहीं कर सकता, ना ही दहेज मांग सकता, समझ गया आप? अच्छा, तो किसने मांगा तुमसे दहेज और मुझे सिखा रही है कानून के बारे में? मुझे कुछ नहीं पता। तो टॉर्चरी तो कर रहे हो आप। सरकारी नौकरी वाली बहू चाहिए, नौकरी पे जाऊँ, कमा के लेके आऊँ, तनख्वाह आपके हाथ में रखती हूँ, उसके बाद भी थक के आती हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ, फिर भी तू तो घर का कोई काम नहीं करती। अरे एक मटका पानी ला दोगे, आपके हाथ थोड़े ना घिस जाएंगे। हाँ हाँ, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे अगर तू ले आएगी तो। नहीं, आप भी गए थे ना, मैं तो चाइनीज मॉडल हूँ, किसी काम का नहीं है। आप तो ओल्ड मॉडल हो सदाबहार, आप ही ले आओ ना जाके पानी। क्यों लेके आऊँ, तुम्हारे बाप के नौकर लगी हूँ क्या? तो मैं क्या आपके बाप के नौकर हूँ क्या? मेरे सामने जुबान लड़ाते तुम्हें शर्म याद नहीं है क्या? बिल्कुल भी। माँ जी, मैंने तो बेच खाई, आप अपने आप को अक्लमंद समझती हो ना बहुत बड़ी, तो आप भी तो शर्म लिहाज कर लो। हाँ, तो तुम जैसी बहू होगी वो बेच के ही खाएगी शर्म लिहाज। रेंदो माँ जी, आप भी कुछ कम नहीं है। अब सास बन के मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रही है, तो पता नहीं जब बहू थी तो मेरी दादी सास के साथ कैसा व्यवहार करती होंगी। तौबा तौबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने बुजुर्गों की सेवा की है, तुम्हारे जैसे नहीं, मुंह उठा दिया चल दिया कहीं भी। ओहो, सारा नशा उतार दिया, क्या बड़ 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 लगी रहती हो, आपको भी तो कोई लेके आया था यहाँ बुढ़िया। फिर से बुढ़िया, फिर से बुढ़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? निकल यहाँ से। अच्छा निकल, अब निकलने को बोलती है, ऐसे थोड़ी निकलूंगा, अभी तो रामलीला शुरू हुई है, मैं पूरी रामलीला और महाभारत देख के फिर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, चलो लगे रहो। देख रहे हो आप, अब पड़ोसी भी हमारे घर के अंदर आने लगे हैं हमारी लड़ाई का मजा लेने के लिए, और ये सब बाप की वजह से हुआ है। ये तेरी वजह से हो रहा है, तुम जैसी बहू है ना जिस घर में, उनका नाश हो रखा है, समझी? रेंदा माँ जी, आप जैसी सास हो ना जिस घर में, उनका घर भी कभी नहीं बच सकता। अच्छा, मुझ पे उंगली उठा रही है तुझे, तो मैं अभी बताती। अच्छा, आप मेरे पर मारोगे, मेरे पर मारोगे आप। हाँ, तुम मुझे बुढ़ी मत समझना, समझे? अरे बूढ़ी क्या, आप तो बूढ़ी से भी ज्यादा बूढ़ी हो दिमाग से। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझे? मैं कौन सा आपको छोड़ूंगी। हाँ, लगे रहो, सोशल मीडिया पे चढ़ाएंगे सास बहू की फिल्म, लड़ाई धूम धूम। चलो देखा बहू, पुराने मॉडल में आज भी कितनी ताकत है, समझी? अरे सासू माँ, ये तो मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना मैं दिखा दूँ कि मुझ में भी कितनी ताकत है। अच्छा, लिहाज करना होता ना तो ऐसे सामने हाथ नहीं उठाती, समझी? माँ जी, हाथ पहले आपने उठाया, मैंने नहीं। हाँ तो चबड़ चबड़ करेगी तो उठाऊंगी ना। तो मैं अपने रोकने के लिए आपको, और मैं हाथ नहीं उठा सकती। अगर फिर से कोशिश की ना तो तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगी, समझी? देखिए सासू माँ, मैं पहले कह देती हूँ कि मेरे साथ ना पंगा मत लीजिए, वरना पछताओगी आप बहुत ज्यादा। वो तो टाइम बताएगा कौन पछताएगा और कौन नहीं, समझी? समझी बहू रानी। अरे ये शोर कैसे दिया, ये तो 2020 मैच थोड़ी ना था, ये तो वनडे मैच था, समझे बुढ़िया? फिर से बुढ़िया, तो मैं बताती हूँ, मैं दिखा रही हूँ तुम्हारे। अरे सदर मुझे, अरे फिल्म बना, 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 देखा बहू रानी, सास बहू का प्यार।
नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी, यह वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा जैसा प्यार बहुओं और बहनों आप मत पालना, ये हमारे तक ही ठीक है। आप तो वो ओरिजिनल वाला ही प्यार रखना। राम राम। और अगर इसके साथ ही आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।